दो मिनट के टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में आपसे स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड ये दो मिनट का नहीं होगा, मंथली वीकली डेली तीनों टाइम पे हम एनालिस करेंगे, तो इसमें थोड़ा डीप जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो को स्पेशली मैं किसी के कमेंट पर बना रहा हूँ, देख लीजिए वो कमेंट किया कि मेरे को अभ्यास फाइनेंशियल पर एक डीप टेक्निकल एनालिसिस करके बताइएगा। तो चलिए मंथली में देखेंगे, यानी कि लंबी अवधि के लिए देखेंगे। सबसे पहला चीज़ यहाँ पर, यदि लंबी अवधि में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया तो बहुत ही अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल में देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, उसके बाद ग्रीन कैंडल में देखिए बहुत ही बड़ा वॉल्यूम भी है, और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी है और टाइम पास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे जाएगी, ये कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं और आप मिलकर नहीं कर सकते। कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर, FIDI जैसे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, सो इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हुआ। इसका मतलब उनको पता है कि ये वैल्यू फॉर बाई, मतलब लंबी अवधि के लिए अभ्यास शेयर सबसे अच्छा। आप लोग बिलीव नहीं करो फ्रेंड, जब 1500 पर आया था ना, तो मैंने अपने व्हाट्सअप पर एक ग्रुप है जिसमें मैंने सभी को बताया था कि ये अभ्यास ऐसा टारगेट आप लोगों को दिया 1500 से 1700 देगा, ठीक वैसा ही हुआ। तो मेरे को ग्रुप में बहुत सारे कमेंट है कि भाई आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया था। चलिए इसी तरह का एनालिसिस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मंथली में तो कर दिया, अब मैं आपको वीकली में कुछ पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, चलिए उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर, देखिए वीकली मैं देख पा रहा है कि बहुत ही गजब का कैंडल हुआ बना, साथ में टाइम पास करते हुए ये ब्रेकआउट, यहाँ पर वन टॉप सेकेंड टॉप दो टॉप बना, ठीक है। पर एक चीज़ को याद रखिए, देखिए ये डाउनफॉल आया, देखिए इसमें वॉल्यूम क्या है, नहीं है, फिर अगेन ग्रीन कैंडल बनी, देखिए तो वॉल्यूम थोड़ा, फिर रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम देखिए है क्या, आस्ते आस्ते वॉल्यूम में लो अप आ रहा है। तो ये क्या दर्शाती कि ये RSI थोड़ा 40 पर आएगी, मतलब ये थोड़ा सा और एक बार रिटेस्ट करेगी तब जाकर ब्लास्ट करेगी, ये दर्शा रहा है वॉल्यूम के जरिए। साथ में इसका पैटर्न भी कुछ उसी तरह का हो रहा है, ब्रेकआउट, हायर हाई हायर लो, और इस हायर हाई को जब ब्रेक करेगी ना मार्केट तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आएगा। पर एक चीज़ याद रखिए, जिस कंपनी में वैल्यू फॉर बाइंग होता है मंथली में, उसमें इसी तरह का पैटर्न बनता है और लोगों को उदास कर देती है। पर एक चीज़ याद रखिए, ये बहुत बड़ा मोमेंटम देगा आने वाले समय में अभ्यास, क्योंकि इसी तरह का मैंने एनालाइज किया था पॉलीप्लेक्स नामक कंपनी में, जिसमें इसी तरह का वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ था उस टाइम, और मैं उस टाइम आप लोगों को बता भी रहा था। चलिए अब डेली टाइम पे जाते हैं, मंथली और वीकली दोनों तो देख ही लिया, अब हम लोग डेली देखेंगे। डेली में एक जो सिग्नल मिल रहा है शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर कुछ सिग्नल्स मिल रहे जो मैं आप लोगों को बताऊँ। ये देखिए सबसे पहला पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, बोलिंजर बैंड के आउटसाइड, बोलिंजर बैंड के इनसाइड 40 पर सपोर्ट है, मतलब कि वोलाटिलिटी बहुत ही ज़्यादा और मोमेंटम इसके लो के नीचे यदि जाता है क्लोजिंग, तो मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, जो कि इसका की लेवल कौन सा है ये है, क्यों है वो भी बता देता हूँ। चलिए मैंने बोला ही पहले कि इसको डीप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा टाइम जाएगा। यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ और गैप को फिल करने आई मार्केट, देन अगेन उसी के ऊपर गई, डबल टॉप फॉर्मेशन के साथ अगेन नीचे आई, और यही इसका की लेवल है, क्योंकि यहीं से मार्केट में गैप अप हुआ और सेलर भी यहाँ नहीं थे, इसीलिए इसमें गैप अप ओपन हुआ, न्यूज़ भी आया, तो कुछ तो है यहाँ पर, इसके ऊपर ही मार्केट को रहना चाहिए। इसके नीचे जाती है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम, इसके ऊपर जाती है तो अपर साइड का मोमेंटम, साथ में अभी तो ये 1700 लेवल को ब्रेक नहीं किए और एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड वो बोलेगा तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, जो कि क्या होता है आउटसाइड इनसाइड और किस तरह का मोमेंटम आता है। तो फिर इसमें एक चीज़ और हो रहा है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन बन रहा है और ट्रेंड लाइन का रीटेस्टिंग बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रहा है और ट्रेंड लाइन का यहाँ पर देखिए ब्रेकडाउन भी हो गया, रीटेस्ट हो रहा है, देन ये ऐसा भी पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है डाउन साइड का, ओके। बट इस की लेवल को याद रखिए 1600 इसका की लेवल है, इसके नीचे जाए तो सेल, वरना अभी होल्ड कीजिए, इसके ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो अगेन न्यू पोजिशन बिल्डअप होंगे 1900 के ऊपर, और बेचेंगे कितना 1600 के नीचे। तो फिर इस कंपनी को मैंने मंथली वीकली डेली तीनों टाइम पे मैं समझाने की कोशिश की आप लोगों को, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके नज़र में कोई भी ऐसा कंपनी है जिसके बारे में एनालिस करके जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, तो कमेंट करें मेरे को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक इतने, गुड बाय, गुड लक।